नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निजामपुर शहर महानगर पालिका आरोग्य विभाग के सहयोग से भाजपा गठ नेता हनुमान चौधरी के नेतृत्व में मुफ्त कोरोना लसीकरण कैंप का किया गया आयोजन। न्यू तड़ाली कामत घर स्थित इनके जनसंपर्क कार्यालय पर भिवंडी मनपा आरोग्य विभाग के सहयोग से और भाजपा गठ नेता हनुमान चौधरी के नेतृत्व में मुफ्त कोरोना लसीकरण कैंप का आयोजन किया गया, जो लगातार 26 तारीख से 29 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका लाभ वार्ड की सभी जनता को मिलेगा। बता दें, बहुत लोगों ने अपने घरों से निकलकर टीकाकरण नहीं किया है। अब हनुमान चौधरी ने अपने कार्यालय पर लसीकरण का कैंप लगवा दिया है, जिससे सभी लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा और कोरोना से मुक्ति मिलेगी, जिसमें हनुमान चौधरी के साथ साथ वनिता शिंदे, सुनीता यादव आदि लोग उपस्थित थे। और अधिक जानकारी देते हुए हनुमान चौधरी ने कहा कि आज बहुत सारे अपने वार्ड में गरीब लोगों को वैक्सीन लेने का बाकी था। वही मैं थोड़ा सर्वे किया, सर्वे के बारे में जाना था। वार्ड में बहुत सारे गरीब लोगों को वैक्सीन लेना बाकी था। वही सुन के मैं कोशिश किया और मेरे हफ्ते से पूरे गरीब लोगों को वैक्सीन फ्री में, नाश्ता पानी सब फ्री में कर दिया। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न है, तीसरी लाट आने की संभावना है, ऐसे में क्या कहेंगे लोगों से, आह्वान क्या करेंगे जो वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया? मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि पहली बात तो सबने वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरी बात हर आदमी ने मास्क लगाना चाहिए। भगवान से मैं दुआ करता हूँ तो किसी लट ना। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।